हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में गैस डिस्ट्रीब्यूशन की 7 कंपनियों गेल इंडिया, पेट्रोनेट एलएनजी, इंद्रप्रस्थ गैस, अदानी गैस, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, महानगर गैस और दीप इंडस्ट्री, इन 7 कंपनियों का हम लोग रैंकिंग करेंगे। और रैंकिंग करने के बाद इनका रैंकों का समअप करेंगे। उसके आधार पर ये हम लोग जानेंगे कि इन 7 कंपनियों में बेस्ट कंपनी बिजनेस फंडामेंटल्स के आधार पर कौन सबसे अच्छी कंपनी है, और उसके बाद ही हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में राय बनाएंगे। तो जिन पैरामीटर के आधार पर हम लोग रैंकिंग करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है मार्केट कैप, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेप्ट इक्विटी रेशियो, पी रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। इन 7 पैरामीटर के आधार पर हम लोग इन 7 कंपनियों का बिजनेस फंडामेंटल्स को चेक करेंगे और उनके आधार पर इनका रैंकिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग रैंकिंग शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्केट कैप के आधार पर इन 7 कंपनियों का रैंकिंग किस प्रकार का है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी है गेल इंडिया, इसलिए हम लोग इसे 1 रैंकिंग देते हैं। उसके बाद पेट्रोनेट एलएनजी आती है, जिसे हम लोग 2 रैंकिंग देते हैं। 3 नंबर पर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आती है, 4 पर अदानी गैस आती है, 5 पर गुजरात स्टेट पेट्रोनेट आती है, 6 पर महानगर गैस आती है और 7 पर दीप इंडस्ट्री आती है। तो इस तरह से हम लोगों ने मार्केट कैप के आधार पर 1-7 रैंकिंग दे दिया इन 7 कंपनियों को। अब हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी के आधार पर रैंकिंग देते हैं। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी गुजरात स्टेट पेट्रोनेट का है, तो हम लोग इसे 1 रैंकिंग देते हैं। और 2 नंबर पर आती है अदानी गैस। 3 नंबर पर हम लोग चेक करें तो हम लोग देख रहे हैं कि महानगर गैस लिमिटेड का आरओई 3 नंबर पर आता है। और अगर 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर पर इंद्रप्रस्थ गैस आ रही है, 5 नंबर पर पेट्रोनेट एलएनजी आ रही है, 6 नंबर पर गेल इंडिया आ रही है और 7 नंबर पर दीप इंडस्ट्रीज आ रही है। और अगर हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से रैंकिंग तय करने की कोशिश करें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिल रहा है वो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट को देखने को मिल रहा है। तो इसे हम लोग 1 रैंकिंग देते हैं। 2nd नंबर पर आ रही है महानगर गैस लिमिटेड, से हम लोग 2 रैंकिंग देते हैं। 3 नंबर पर आ रही है अदानी गैस, इसे हम लोग 3 रैंकिंग देते हैं। 4 नंबर पर आ रही है इंद्रप्रस्थ गैस, तो इसे हम लोग 4 रैंकिंग देते हैं। 5 नंबर पर आ रही है पेट्रोनेट एलएनजी, तो इसे हम लोग 5 रैंकिंग दे देते हैं। 6 नंबर पर आ रही है गेल इंडिया, तो इसे हम लोग 6 दे देते हैं। और 7 नंबर पर आ रही है दीप इंडस्ट्री, इसलिए 7 दे देते हैं। अब दोस्तों, हम लोग डेट इक्विटी रेशियो के आधार पर रैंकिंग करने का कोशिश करें इन 7 कंपनियों का। तो सबसे कम डेट इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है वो है दीप इंडस्ट्री, इसीलिए हम लोग इसे 1 रैंकिंग देते हैं। दूसरे पायदान पर 2 कंपनियां हैं जिनका डेट इक्विटी रेशियो समान है, ये है इंद्रप्रस्थ गैस और महानगर गैस लिमिटेड। तो इन दोनों कंपनियों को दोस्तों हम लोग रैंकिंग 2 देते हैं। और 3 नंबर पर जो कंपनी आ रही है वो है गेल इंडिया। और 4 नंबर पर आने वाली कंपनी है अदानी गैस। 5 नंबर पर जो कंपनी आ रही है वो है पेट्रोनेट एलएनजी। 6 नंबर पर जो कंपनी आ रही है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने डेट इक्विटी रेशियो के आधार पर भी कंपनियों का रैंकिंग कर लिया है। अब हम लोग पी रेशियो के आधार पर कंपनियों का रैंकिंग करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे कम पी रेशियो जो देखने को मिल रहा है वो गेल इंडिया का है, इसीलिए हम लोग इसे 1 रैंक देते हैं। 2nd नंबर पर आ रही है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट एलएनजी। 3rd नंबर पर जो कंपनी आ रही है वो पेट्रोनेट एलएनजी आ रही है। 4th नंबर पर जो कंपनी आ रही है वो महानगर गैस लिमिटेड है। 5th नंबर पर जो कंपनी आ रही है वो इंद्रप्रस्थ गैस है। 6th नंबर पर जो कंपनी आ रही है वो अदानी गैस है। और 7th पोजीशन पर दीप इंडस्ट्रीज है। अब दोस्तों, हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के आधार पर भी कंपनियों का रैंकिंग करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं
प्राइस टू बुक वैल्यू सबसे कम देखने को मिल रहा है वो है दीप इंडस्ट्रीज का, इसीलिए इसे एक रैंक हम लोग देते हैं। दो नंबर पर आ रही है गेल इंडिया, तीन नंबर पर आ रही है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट एलएनजी, चार नंबर पर आ रही है पेट्रोनेट एलएनजी, पांच नंबर पर आ रही है महानगर गैस लिमिटेड, छह नंबर पर आ रही है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और सात नंबर पर आ रही है अदानी गैस। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने सारे कंपनियों का, इन सातों कंपनियों का मार्केट कैप, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट इक्विटी रेशियो, पी और प्राइस टू बुक वैल्यू के आधार पर हम लोगों ने रैंकिंग कर लिया है। अब इनके प्राप्त रैंकों को हम लोग सम करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस फंडामेंटल के आधार पर कौन सी कंपनी 1-7 पोजीशन प्राप्त करती है। तो चलिए दोस्तों इसका समअप कर लेते हैं। दोस्तों इन पैरामीटर के आधार पर हम लोगों ने इनका स्कोर कार्ड समअप कर लिया है और स्कोर कार्ड के वैल्यूएशन के आधार पर अगर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे कम जो स्कोर है वो 18 आता है और 18 नंबर के साथ गुजरात स्टेट पेट्रोनेट एक नंबर पर आती है बिजनेस फंडामेंटल्स के हिसाब पर, और दो नंबर पर गेल इंडिया आती है, तीन नंबर पर महानगर गैस आती है, चार नंबर पर इंद्रप्रस्थ गैस आती है, पाँच नंबर पर अदानी गैस आती है और छः नंबर पर पेट्रोनेट एलएनजी आती है और सात नंबर पर दीप इंडस्ट्रीज आती है। तो इन सारे पैरामीटर के समअप करने के बाद हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि वर्तमान भाव में या बिजनेस पैरामीटर के आधार पर कंपनियों का रैंकिंग बदल जाता है और गुजरात स्टेट पेट्रोनेट जो कि एक काफ़ी छोटी कंपनी है वो एक नंबर पर आ रही है आज के पैरामीटर के आधार पर और गेल इंडिया दो नंबर पर आ रही है। तो दोस्तों आज के सिनारियों में अगर हम लोग बोलें तो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट सबसे सस्ती कंपनी है और इसके बिजनेस फंडामेंटल सबसे अच्छे हैं और दो नंबर पर गेल इंडिया आती है। लेकिन अगर हम लोग मार्केट कैप और पी रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के आधार पर अगर हम लोग सेलेक्शन करें कि इन सातों कंपनियों में किसे हम लोगों को हटा देना चाहिए, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग दीप इंडस्ट्रीज को हटा देंगे कि ये सात नंबर की कंपनी है, इसे हम लोग को देखना नहीं है। अब हम लोग दोस्तों अगर कंसंट्रेट करें बाकी कंपनियों पर तो हम लोग देख रहे हैं कि अदानी गैस जिनका पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है 46 के आसपास है, तो अदानी गैस को भी हम लोग काट के हटा देते हैं। अब बाकी बची कंपनियां, चार कंपनियां बची, तो उसमें अगर हम लोग देखें तो यहां पर देख रहे हैं दोस्तों कि गेल इंडिया का डिविडेंड यील्ड जो है लगभग 6.25% के आसपास है जो कि काफ़ी बेहतरीन है और इसके पी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफ़ी न्यूनतम स्तर पर हैं। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट के हिसाब से गेल इंडिया काफ़ी सही स्टॉक लग रहा है इन स्तरों पर इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर दोस्तों फिर सेकंड कंपनी के बारे में हम लोग जानना चाहें तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि महानगर गैस लिमिटेड और पेट्रोनेट एलएनजी में डिविडेंड यील्ड जो है पेट्रोनेट एलएनजी का ज़्यादा दिखने को मिल रहा है और इनका भी प्राइस टू बुक वैल्यू और पी रेशियो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। तो सेकेंड नंबर पर पेट्रोनेट एलएनजी पर हम लोग इन्वेस्टमेंट की राय बना सकते हैं और अगर थर्ड नंबर दिया जाए तो हम लोग महानगर गैस लिमिटेड पर थर्ड नंबर पर इन्वेस्टमेंट की राय बना सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि बिजनेस फंडामेंटल्स के हिसाब से कंपनियों का रैंकिंग बदल जाता है और मार्केट कैप के हिसाब से कंपनियों का रैंकिंग अलग रहता है, लेकिन इन सारे पैरामीटर का विश्लेषण करने के बावजूद जो हम लोगों ने तीन कंपनियाँ हटा दी महंगाई के कारण और जो इसमें जो पी रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो सही सस्ते दिख रहे थे गेल इंडिया को, तो हम लोगों ने तीन स्टॉक का सिलेक्शन किया इसमें, गेल इंडिया, पेट्रोनेट एलएनजी और महानगर गैस। तो ये तीनों जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं और इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट की राय बना सकते हैं वर्तमान स्तरों पर। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे आप फटाफट लाइक कर लें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आपके लिए छोटी छोटी जानकारियाँ लेकर के आता रहता हूँ और अभी तक आप मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद और उम्मीद है कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।